अमेरिका के अंदर कुछ डॉक्टर्स की टीम है जो इस बात के ऊपर रिसर्च कर रही है. आप लोग ने भी सुना होगा डॉक्टर रेमन मुडी का नाम. डॉक्टर रेमन मुडी जो लोगों को हिप्नोटाइज करके पास्ट लाइफ में ले जाते हैं, उसकी टीम में एक भारतीय डॉक्टर भी है और वो भारतीय डॉक्टर बी के है. और उनकी टीम में ये डॉक्टर्स इसीलिए अलग अलग भाषाओं वाले उसने रखे हैं ताकि जब पास्ट लाइफ में ले जाते हैं और कई बार वो उस भाषा में बोलने लगते हैं तो क्या बोल रहे हैं पता नहीं चलता है. तो जब भी वो बहन यहाँ पर आती है, जो डॉक्टर है वो आती है, तो उनका लेटेस्ट रिसर्च बताती है. तो जब पिछली बार जब आए थे तो उन्होंने एक बहुत वंडरफुल बात सुनाई. तो कहा कि जब उनको पास्ट लाइफ में ले गए, अधिकतर जितने लोगों को ले गए वो लोग, तो उनसे एक सवाल बहुत कॉमन पूछा और वो सवाल था कि जब आप शरीर छोड़ते हैं उसके बाद कहाँ जाते हैं? सीधा दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं या भगवान जैसी कोई चीज है और उसके पास जाते हैं और भगवान आपको फाइनलाइज करते कि आपको ये घर में जन्म लेना है, ये घर में जन्म लेना है, कहाँ जाते हैं? तो जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो मेजॉरिटी ने यही जवाब दिया कि शरीर छोड़ने के बाद हम एक लाइट की दुनिया में जाते हैं और वहां एक बहुत पावरफुल लाइट से मिलते हैं, शायद वही भगवान था. का कैसे पता चला आपको कि वही भगवान था? तो कहा क्योंकि वो भगवान इतना प्यार दे रहा था, इतना प्यार बरसा रहा था कि जैसे हम प्यार के फव्वारे में नहा रहे थे. इतना प्यार भगवान के सिवाय कोई नहीं कर सकता है, इसीलिए वही भगवान था. बहुत डिवाइन लाइट थी, बहुत पावरफुल लाइट. का उसके बाद क्या उसने फाइनलाइज किया कि आपको कहाँ जाके जन्म लेना? का नहीं, भगवान फाइनलाइज नहीं करता है. का जब हम उस फवारे में नहा रहे होते हैं, प्यार ही प्यार जैसे बरसा रहे हैं भगवान, तो उस प्यार में जैसे हमारा शुद्धिकरण हो रहा होता है, हम बहुत क्लीन हो जाते, शुद्ध हो जाते हैं. और ऐसे शुद्ध जब हो जाते हैं, बहुत लाइट फील करते हैं, उसके बाद हमारे सामने हमारी जीवन यात्रा की एक फिल्म की तरह पूरी जीवन यात्रा हमारे सामने से गुजरती है. और इतनी शुद्ध अवस्था में होने के कारण, क्योंकि परमात्मा प्यार में जैसे हम इतने शुद्ध हो गए, तो जब वो फिल्म चलती है हमारे जीवन यात्रा की, तो एक एक कर्म को देख करके हमें लगता है ये कर्म मैंने किया, इतने बुरे कर्म किए, इतने लोगों को मैंने चीट किया, उतने लोगों के साथ मैंने ऐसा व्यवहार किया. तो एक एक कर्म मेरे सामने जब आता है तो हमें अपने ही कर्मों को देख करके बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है. तो कहा उसके बाद क्या भगवान सजा देता है? नहीं, भगवान सजा नहीं देता, भगवान प्यार ही देता है. तो उसके बाद क्या होता है? तो कहा उसके बाद हमें यह फील होता है कि जो बुरे कर्म मैंने किए, जिसके साथ मैंने बुरे कर्म किए, चीट किया या किसी को भी धोखा दिया या जो भी मैंने बुरा व्यवहार किया, उन सबके साथ का हिसाब किताब मुझे चुकतू कर देना है. और इसलिए हम वहां से वापस आते हैं और वापस आने पर हम खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे कहां जन्म लेना चाहिए ताकि उन आत्माओं के साथ मैं जल्दी से जल्दी हिसाब चुकतू कर दूं. तो हम डिसाइड करते किस घर में हमें जन्म लेना है. उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि ये कर्म का फल हम कैसे चुकाएंगे, इसके लिए होनी को फाइनल करते हैं.
डेस्टिनी को फाइनल करते हैं कि ये डेस्टिनी होगी और ये कर्म का हिसाब हम ऐसे चुकतू करेंगे। तो सारी जो डेस्टिन्ड बातें हैं उसको हम फाइनलाइज करते हैं। इसलिए कहावत है, होनी को कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि वो होनी हमने ही फाइनलाइज की होती है। उसके बाद उन्होंने कहा, बहुत सटल बातें उन्होंने सुनाई और कहा, उसके बाद जब होनी फाइनल हो जाती है, सारी होनियों को फाइनल कर देते हैं, उसके बाद हम ये भी फाइनलाइज करते हैं कि किस दिन हमारा जन्म होगा, तो जन्म की तारीख को फाइनलाइज करते हैं। और उसके बाद ये भी हम फाइनलाइज करते हैं कि ये हिसाब चुकाने के लिए हमें कितने साल चाहिए। तो आयुष्य को फाइनलाइज करते कि भाई 5 साल चाहिए, 15 साल चाहिए, 50 साल चाहिए या 100 साल चाहिए, कितना साल मुझे चाहिए ये हिसाबों को चुकतू करने के लिए, तो आयुष्य को फाइनलाइज करते हैं। और आयुष्य को फाइनलाइज करने के बाद हम ये भी फाइनलाइज करते हैं कि ये शरीर छोड़ने के लिए कौन सा कारण बनेगा, कौन सी होनी बनेगी, उस मृत्यु का कारण भी हम फाइनलाइज करके, फिर उस दिन को भी फाइनलाइज करके हम जन्म लेते हैं या शरीर में प्रवेश करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जन्म और मृत्यु की तारीख को कोई बदल नहीं सकता है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती है। क्यों ऊपर से बन के आती है? क्योंकि हमने ही फाइनलाइज किया होता है कि कौन सी जोड़ी मुझे चाहिए अपने कर्मों का हिसाब किताब सेटलमेंट करने के लिए, ये हम ही फाइनलाइज करते हैं। कहा उसके बाद क्या आपको याद रहता है? तो कहा 2 साल तक हमको बहुत अच्छे से याद आता है कि हम किस लिए इस संसार में आए हैं। और उसके बाद जो जो व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, हम उसी समय उनको जिस जिसको दुख दिया होता है उनके सामने मुस्कुरा करके उनको सुख देने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी वाचा खुलती है, हमारा मोह क्रिएट होता है परिवार के सदस्यों के साथ, वाचा खुलने के बाद विस्मृति हो जाती है कि हम किस लिए आए। और इसलिए जब होनी होनी होती है, वो होनी को भूल जाते हैं कि ये हमने ही फाइनलाइज किया है, तब ये सवाल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों, भगवान नहीं करता है, हमने खुद ने फाइनलाइज किया। वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन YouTube. सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ।